हमीरपुर से बड़ी खबर है, जहां हमीरपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया है। सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर है, कई घायल बताए जा रहे हैं। लोडर और ऑटो के बीच में यह टक्कर हुई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। और खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए अरुण श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संवाददाता अरुण, क्या और जानकारी मिल रही है फिलहाल हादसे को लेकर? आईसी आपको बता दूं, ये नेशनल हाईवे 34 का मामला है। यहाँ पर जो पिकअप था वो आम लादे हुए था, और यहाँ से और हमीरपुर से मोदार की तरफ की थ्री व्हीलर गाड़ी थी, जिसमें लगभग 11-12 सवारियां बैठी हुई थी। दोनों तेज रफ्तार में थे, दोनों की आमने सामने भीषण टक्कर हुई है, जिसमें मौके पर ही 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें की 2 महिलाएं हैं, 6 माह की बच्ची है और पुरुष है, जिनकी मौत हो चुकी है। लगभग 9 लोग अभी तक घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें की लगभग 3 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। पुलिस मौके पर है, रेस्क्यू लगातार जारी है। किसकी लापरवाही अरुण इस पूरे मामले में सामने आ रही है, क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं, काफी भीषण ये हादसा नजर आ रहा है। आईसीआर से कहते हैं लापरवाही की बात तो केवल तेज रफ्तार की बात है, तेज रफ्तार की वजह से ही दोनों के बीच टक्कर हुई है, क्योंकि मकराव में लगभग 5-6 ब्रेकर भी बने हुए, उसके बावजूद भी हादसा हुआ है, ये बड़ी बात है, क्योंकि दोनों में टक्कर में जो है 5-6 लोगों की मौत हुई है। तेज रफ्तार थी, केवल एक ही वजह निकल के आ रही है, तेज रफ्तार की वजह से दोनों के बीच टक्कर हुई है और 6 लोगों की मौत हुई है, लगभग 9 लोग अभी तक घायल बताया जा रहा है। घायलों की क्या स्थिति है अरुण, क्या जानकारी उनकी स्थिति को लेकर मिल रही है फिलहाल? आईसीआर से बता दें जो घायल लोग हैं, मदार सीएससी भर्ती करा दिए गए हैं और कुछ लोग सुमेरपुर सीएससी भर्ती करा दिए गए हैं, जिनकी हालत ज्यादा गंभीर है, उनको कानपुर रिफर भी किया जा रहा है। फिलहाल अभी 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, लोगों की उनको कानपुर रिफर किया गया। जी आयुषी जी, क्या ये माना जाए, क्योंकि देखिए सड़क हादसे की तस्वीरें हम देख रहे हैं, भीषण सड़क हादसा है, क्या जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ सकता है, क्या जानकारी फिलहाल मिल रही है? और इसी आपसे कहते हैं, जैसे जो पहला आंकड़ा आया था 5 लोगों की मौत का आया था, उसके बाद 10 मिनट बाद एक महिला की और मौत हो गई, 3 की हालत अभी भी लगातार गंभीर बनी हुई है, हो सकता है कि 3 का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है इसी। जी, और चलिए बहुत धन्यवाद अरुण तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं मौके की, किस तरीके से ऑटो और लोडर में ये पूरी टक्कर हुई और उसके बाद 6 लोगों की मौत हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरी घटना पर दुख जताया है। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं इस वक्त की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।